नमस्कार दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 7 मार्च 2020 को हिंदी अनिवार्य का पेपर होने वाला है। उसके रिलेट में आपको हिंदी पेपर के लिए ओनली फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में जिस प्रकार से मैंने आपको इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश कंपलसरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पढ़ाए थे, उसमें से बहुत सारे आज क्वेश्चन आए हैं 5 मार्च 2020 को। अब 7 मार्च 2020 को जो हिंदी का एग्जाम होने वाला है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप जरूर देख लेना है। किस प्रकार से गद्यांश आता है, क्या एग्जाम पैटर्न है, इस प्रकार से मैं इस पूरे आपको बताना वाला इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो अच्छी लगी जानकारी से वीडियो को लाइक करना है। और आपको आरबीएससी 12th बोर्ड की पूरी तरह से तैयारी है वो इस चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। यहां पर आप देख सकते हैं खंड ए, सेक्शन ए में जो आता है वो आपके जो है गद्यांश आएंगे और पद्यांश आएंगे। जो इसकी जो नंबरिंग की गई है 8 अंक बाहर किया गया है। मैं डायरेक्ट आपको लेकर चलता हूं इसके इंपॉर्टेंट क्या क्या आने वाला है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। अब यहां पर आप देखिए, ये मैं आपको पीडीएफ जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा। अब यहां पर आप देखिए इस पीडीएफ में क्या है। पहले तो आप ग्रामर का देखिए, इसमें जो ग्रामर दी हुई है एकदम सही से, कुछ प्रश्न जो दिए है वही प्रश्न आने वाले। देखो भाषा लिपि व्याकरण संबंधी जो प्रश्न है इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, ओनली फॉर इंपॉर्टेंट, अनइंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें से क्या क्या आ सकता है। भाषा से आप क्या समझते हैं, बोली किसे कहते हैं, विभाषा किसे कहते हैं, जबकि ये संधि में है ही नहीं, ये पूरी तरह से आने वाला है। विभाषा का क्षेत्र बोली से थोड़ा विसर्त है और भाषा से थोड़ा कम है, मतलब मध्यम वाला है। ये एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है। वस्तुतः जब कोई बोली अपना क्षेत्र विसर्त कर प्रसंस्कृत हो जाती है और एक बड़े क्षेत्र के निवासी द्वारा बोली जाती है तो वह विभाषा कहलाती है। यहां पर आप देख सकते हैं भाषा के कितने रूप हैं, ठीक है। लिखित और मौखिक भाषा का एक और रूप भी देखने को आता है, सांकेतिक। भाषा के किस रूप में समाज की संस्कृति इतिहास साहित्य सुरक्षित रहते हैं। लिपि किसे कहते हैं, हिंदी की लिपि कौन सी है पता होगा। देवनागरी की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है, यहां पर आप लिखिए लिपि भाषा के लिखित रूप को ही लिपि कहते हैं। यहां पर आप देवनागरी जो लिपि है उसकी कुछ ना कुछ वैज्ञानिक जो है मतलब क्या क्या विशेषता है, जैसे आदर्श व वैज्ञानिक लिपि है, ठीक है। ध्वनि के अनुरूप चिन्हों के नाम, ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी इसकी विशेषता भी है। भारत की प्राचीन लिपियां कौन कौन सी है, ब्राह्मी और क्रोष्टी लिपि। अब उसकी भी है, ये दाई से बाई तरफ लिखी जाती है, कुछ बाई से दाई तरफ भी लिखी जाती है, ठीक है, इसकी कुछ बहुत सारी विशेषता भी है। तो इस प्रकार से ग्रामर का ये है, ठीक है। मैं आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा ये पीडीएफ, किस प्रकार से आपको मैं आपको जरूर कहूंगा। अब इसके हैं कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड जो आपको हिंदी में लिखने होंगे, जैसे दिया होगा ड्राफ्ट तो उसका आपको लिखना होगा प्रारूप होता है, क्या होता है, एबेंडन, परित्याग, अपेंडिक्स, परिशिष्ट, सेंसस, जनगणना। ये सिर्फ आपको इतने ही याद करने हैं जिससे क्या है कि आपको अच्छा जो है आप वहां पर अच्छा लिख सको। इसमें से जो है क्वेश्चन बनने वाले मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब यहां पर एक और ये जो है प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कनक कनक रे सौगुणा मादकता अधिकाय, यह है बोरा है जग या पाए बोरा है। इसमें से आपको कौन सी सब्जेक्ट शक्ति है, ठीक है, कौन सी सब शक्ति प्रयुक्त हुई, ये ठीक है। तीन प्रकार की आपको उसकी परिभाषा, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना की, तीनों की जो परिभाषा जरूर याद करके आपको जाना है। इस प्रकार से यहां पर जो सभी जो क्वेश्चन दिए हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पाठ के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए, बड़ी आपके लिए खुशखबरी होगी। प्रश्न जो है पाठ के भी दिए गए, जैसे कबीर ने आशा को किस रूप में जो है माना है, श्रपणी के रूप में माना। आशा रूपी श्रपणी को मारने की दवा क्या बताई गई है, ठीक है, तो दवा संतोष रखना बताया गया है। ईश्वर प्राप्ति में बाधक अवगुण कौन कौन से बताए गए, काम, क्रोध, मद, लोभ, ग्रहशक्त आदि अवगुण ईश्वर प्राप्ति के बाधक बताए गए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर पूरी तरह से आप जो कबीर जो भी है, सूरदास जी जिनके भी है, उनके जो क्वेश्चन भी दिए गए पाठ से रिलेट में, पूरे पद्यांश भाग के और गद्यांश भाग के जो है प्रश्न दिए गए। लगभग मोस्टली जो है आपको समान सेतु के जो मोस्ट प्रश्न है वो भी इस जो है इस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। 57 पेजेस का ये पीडीएफ है, आपको जरूर एक बार से पढ़ लेना है। अब आपको मैं बता दूं, एक या तो पद्यांश के या गद्यांश के किसी कवि या किसी लेखक का जो है परिचय, जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय जरूर याद करके जाना। सभी का पद्यांश का, या तो पद्यांश के सभी कवियों का करो या फिर गद्यांश के सभी लेखकों का करो, लेकिन या तो पद्यांश से करना है या गद्यांश से करना है, क्योंकि 4 नंबर का आएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूं। ज्यादातर जो पूछे जाने वाले मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से आ सकते हैं। अब यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं इस पुस्तक में 5 कुल जो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे सवान सेतु थर्ड बुक से, और यहाँ पर 12 अंक के
जो है प्रश्न बनेंगे, और इसमें तीन जो प्रश्न है वो दो दो अंक के, और दो दो प्रश्न है वो तीन तीन अंक के हो गए। इस प्रकार से यहाँ पर आपको फर्स्ट अध्याय देख सकते हैं समाचार लेखन का, उससे जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, उस जो है पाठ से प्रश्न बनेंगे समाचार लेखन के से ककारों का उपयोग बताइए। इस प्रकार से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, उल्टा पिरामिड शैली की विशेषता बताइए, ठीक है, क्या है ये पीटा फिल्म पटकथा लेखन के स्वरूप को समझाइए। इस प्रकार से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इस पीडीएफ में है, आपको जरूर याद रखना है। ये जो ऐसे जो है ना वर्ड संपादकीय क्या है, ये जो आप शॉर्ट में फीसर किसे कहते हैं, शॉर्ट में आपको जरूर इसकी परिभाषा याद करके जाना है। संपादकीय इतनी जो है आपको किताब में मिलेंगी या संजीव में आप जब इसकी डेफिनेशन देखने जाओगे तो बहुत ही कठिन लगेगी, लेकिन इसमें कितनी जो है सिंपल दी है, किसी भी समाचार पत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग संपादकीय ही होता है, यह किसी ज्वलंत मुद्दे या घटना पर समाचार के दृष्टिकोण व विचार को व्यक्त करता है। संपादकीय संक्षेप में तथ्यों व विचारों की तर्कसंगत और सुरुचिपूर्ण प्रस्तुति होती है। तो कितना सरल एकदम डेफिनेशन दी गई है, परिभाषा दी गई है। उसी प्रकार से यहाँ पर लेख और फीसर की शैली में अंतर क्या है, ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो इस पीडीएफ में आपको मिलेंगे। अब देखो साक्षात्कार लेने की कला, इंटरव्यू लेने की क्या कला है, क्या आर्ट है, साक्षात्कार किसे कहते हैं, किसी क्षेत्र में सर्चित या विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व व कर्तृत्व की जानकारी जिस विधि के द्वारा प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं। मुद्रित माध्यम व रेडियो टीवी में प्रकाशित प्रचारित होने वाली भेंटवार्ता को भी क्या कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं। इसके भी बहुत सारे टाइप हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं या नौकरियों हेतु आयोजित साक्षात्कार होते हैं, रेडियो टीवी में समाचार पत्र हेतु रिपोर्टर या संपादक द्वारा लिए जाने वाले जो साक्षात्कार हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर समान सेतु के भी जो ऐप पोर्टल यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं आपको एक बताता हूँ, एक बोर्ड का एक पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर इस वीडियो में ये बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ प्रश्न पत्र किस प्रकार से बनता है। तो 2018 का उच्च माध्यमिक परीक्षा 2018 का ये है प्रश्न पत्र। इसमें से 2018 जो परीक्षा हुई थी तो उसमें से 2020 में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, ये तो एकदम डेफिनेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से है, यहाँ पर एक दिया जाएगा गद्यांश, आपका पहले जो प्रश्न है वो आएगा गद्यांश को। तो गद्यांश को आपको पहले तो ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अहंकार क्रोध या द्वेष हमारे मन की बाधक प्रवृत्तियाँ हैं, यदि हम उनको बैरोक टोक चलने दें तो इस प्रकार से आपको पहले तो क्या करना है, पूरे गद्यांश को रीड करना है, पढ़ना है। हमारा जीवन मंगल में कब हो जाता है, यहां पर कुछ आपको शीर्षक वगैरह नहीं पूछेंगे, सिर्फ प्रश्न पूछेंगे हमारा जीवन मंगल में कब हो जाता है, तो इसमें दिया गया है साहित्यिक हृदय की वस्तु है कैसे। तो इसमें से आपको जब पूरे गद्यांश को पढ़ोगे तो क्या आपको ऑटोमेटिकली क्या हिंदी तो ऐसी है जो आप एक बार पढ़ोगे तो कैसी कहानी जैसी आपको बैठ जाएगी और आप आसानी से इसके जो आंसर है वो दे सकते हैं। उसी प्रकार से आएगा एक काव्यांश मतलब पद्यांश, जैसे इस प्रकार से यहाँ पर जो दिया गया है पूरा, तो उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी जो ये प्रश्न पूछे गए। तीसरा श्रोता, कवि के अनुसार गति की तृष्णा से क्या अभिप्राय है, वह कब बढ़ती है, कवि ने जवानी की क्या विशेषता बताई है। जब आप इसको ध्यानपूर्वक इस पद्यांश का अर्थ निकालने की कोशिश करोगे तभी इसका उत्तर आएगा, वरना ऐसे पढ़ने से ये नहीं आएंगे, ठीक है। अब आएगी, शुरू हो जाती है व्याकरण। जिस प्रकार से मैंने बताया ना भाषा के दो रूप कौन कौन से, लिखित और मौखिक, अभी मैंने बताए तो ऐसे ऐसे उसी में ऐसे प्रश्न आएंगे। दोनों पीडीएफ, दोनों ये जो पीडीएफ है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उससे क्या है आप आसानी से जो है पढ़ ले। और यदि वीडियो चली गई वीडियो को लाइक जरूर करना है, और किस प्रकार से प्रश्न आए ये वीडियो को जरूर एंड तक देखना है। व्याकरण किसे कहते हैं ये भी आपको उसमें दिया हुआ है। रेखांकित शब्दों का पद परिचय लिखिए, जैसे सुंदर है तो ये क्या है, संख्या है, गुणवाचक विशेषण है, और कुछ है कारक वगैरह, ठीक है। तो इस प्रकार से रवि बहुत भाग्यशाली है तो भाग्यशाली भी क्या है, विशेषता है, ठीक है। अभिधा व लक्षणा सब शक्ति में अंतर, विरोधाभास अलंकार को उदाहरण से बताइए, जितने भी अलंकार है उनको एक बार परिभाषा और एक एक उदाहरण तो जरूर आपको याद करना होगा। अब देखो यहाँ पर आ गई बात, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए, एबिलिशन और सेंसस, इसका तो अर्थ होता है उन्मूलन, क्या होता है उन्मूलन, उन्मूलन और सेंसस का होता है जनगणना, जिस प्रकार से मैंने अभी पढ़ाई थी, ठीक है। अब यहाँ पर जिला कलेक्टर उदयपुर की ओर से राजस्व सचिव राजस्थान सरकार को स्वच्छता अभियान, देखो जो भी लिखो पूरी तरफ से आपको बाई तरफ जो है अच्छे से आपको लिखना है, इसी प्रकार से आपको एकदम सीध होनी चाहिए, ठीक है। और एक आएगा आपको निबंध, अच्छे से निबंध को भी आपको करना है। गद्यांश और पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या, जिस प्रकार से मैंने बताया जो गद्यांश और करो तो पहले लिखना है आपको संदर्भ, हालांकि नहीं दिया गया संजी में लेकिन आपको जरूर लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है और फिर लिखना है व्याख्या,
और फिर आपको लिखना है विशेष, ठीक है। इसी प्रकार से एक पद्यांश आएगा उसको भी करना है, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप एक बार जरूर पढ़ लेना है सभी किताब के, इन तीन किताबों के तीनों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है पढ़ लेना, जिस प्रकार से मैंने उस पीडीएफ में बताया। उसने कहा था कहानी के आधार पर सूबेदार रहने के चरित्र की कोई दो विशेषता बताइए, तो एक भारतीय एक जो है संस्कारवान जो नारी है, ठीक है। इस नारीत्व की जो है रत्नावली का चरित्र आदर्श भारतीय नारी का प्रतिबिंब है, आपको घटना है उसमें से क्या पढ़ना है, ये पांच प्रश्न है किस प्रकार से बने हैं आपको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।